नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने में मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी शक्तिशाली टोटके, एक ऐसे चमत्कारी टोटके, अगर केले के पेड़ के साथ अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप रातों रात हो जाएंगे माला माल, और रातों रात हो जाएंगे अरबपति, और रातों रात आपकी खुल जाएगा बंद किस्मत का ताला और चमक जाएगी किस्मत। आखिर वो कौन सा टोटका है, आपको केले के पेड़ के साथ क्या करना है, किस समय में क्या करने से आपको लाभ मिल सकता है जिससे आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आखिर क्या उसमें करना है, किस तरीके से उस केले के पेड़ में क्या काम करना है, वो सारे कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे, वीडियो पर एक लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स पर जा करके जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी, मैं वादा करता हूँ। तो आइए मैं वीडियो पर बताने जा रहा हूँ कि माता लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए, आपके घर में धन की वर्षा को होने के लिए क्या करना चाहिए। हर लोग चाहते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात हम अमीर बन जाए, रातों रात हमारी किस्मत का ताला खुल जाए और हमारी किस्मत चमकने लगे। और बहुत सारे लोग ये भी कल्पना करते हैं कि जिस दिन हमारी किस्मत चमक जाएगा तो हम गरीबों का भी सेवा करेंगे और गरीबों को अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानी होगी, चाहे किसी भी लड़की का शादी विवाह अगर नहीं होते हैं तो मैं इतना सक्षम हो जाऊं ताकि लड़की की शादी विवाह मैं करा सकता हूं। तो ये लोगों की एक भावना और एक कल्पना भी रहती है, लेकिन अक्सर किस्मत किसी का साथ जब नहीं देता है तो लोग जो है हमेशा आर्थिक स्थिति उनका मजबूत नहीं हो पाती है, उनके ग्रह नक्षत्र खराब होने के वजह से मेहनत काफ़ी करते हैं किंतु लेकिन उनका सफलता हाथ नहीं लगता है और जीवन भर वो कंगाली की स्थिति बन जाती है उनके पास में। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसा है कि लोग पैसे कमाने की लालच में आकर के बहुत सा गलत कदम उठा लेते हैं और उठाने के बावजूद भी जो है उनका और जिंदगी नर्क में तब्दील हो जाता है, लेकिन वो अमीर बन नहीं पाते हैं। तो अमीर बनने के लिए कुछ ही लोग जो है हमारे देश में जो अरबों खरबों की संपत्ति रखे हैं और अरबों खरबों के बिजनेस और व्यापार करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा उन पर बना रहता है और साथ साथ में कुबेर जी का भी बहुत ही मेहरबान रहता है, तभी वो आदमी आगे बढ़ सकते हैं और अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज मैं ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को कर लेते हैं तो आपके ऊपर में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी विशेष कृपा आप पर बने रहेगी, अगर आप ये काम को कर लेते हैं तो। अगर आपने हमारे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि सर्वप्रथम आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, ऐसा है कि पैसा का मोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहे तो आप अच्छे मकान नहीं खरीद सकते हैं, आप चार पहिया वाहन नहीं खरीद सकते हैं, कार बंगले का शौक आपका पूरा नहीं हो पाता है, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दे पाते हैं ड्यू टू पैसा के अभाव के कारण। लेकिन आप इस काम को अगर आप कर लेते हैं तो आप रातों रात हो सकते हैं माला बाल और रातों रात आप हो सकते हैं अमीर आदमी, और आपका किस्मत कैसे बदल जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तंत्र मंत्र टोने टोटके में काफ़ी शक्ति होती है। लेकिन इस चीज़ को मन के भावना को एकत्रित करके और अच्छी भावना अच्छी सोच को रखते हुए अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी और माता लक्ष्मी का कृपा आपके घर पर बरसेगी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना क्या है कि आप किसी भी चांदनी रात यानी आपको शुक्ल पक्ष की जो दिन होती है उस दिन का जो बृहस्पतिवार का जो दिन पड़ता है जिसको हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार के दिन में आपको एक लोटा पानी लेना है,
एक लोटा पानी में उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, गुड़, उसके बाद गुड़ और थोड़ा सा चना, पीला चना दाल जो आता है वो चना दाल उसमें डाल दीजिएगा। और डालने के बाद में एक दिया जलाएगा, घी का दीपक और दो अगरबत्ती, बस ये चीज़ को लेकर का, और एक पीला धागा, ला पीला धागा लीजिएगा, रेशम का पीला धागा। आपको ये जो है ये सारे चीज़ को लेकर के सुबह में स्नान करने के बाद नहा धो करके आप जो है किसी केले के पेड़ के पास चल जाएगा, इत्मीनान जगह में जहाँ पर केला का पेड़ है, जहाँ पर भीड़ भड़क्का नहीं होता है, वहाँ पर आपको चले जाना है और जा करके उस केले के पेड़ के पास दीपक को जलाना है, घी का दीपक को, दो अगरबत्ती जलाना है और एक लोटा जो जल में आप गुड़ और चना दाल जो डाले थे वो सारे चीज़ को अर्पित करना है। और अर्पित करके हाथ जोड़ करके ये मंत्र को जाप कीजिएगा, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का 54 बार आपको जाप करना, 54 बार या 108 भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद में एक क्षमा प्रार्थना कीजिएगा केले के पेड़ के पास, बोले हे विष्णु देवता, हे केले के पेड़ के देवता, आपको मैं यहाँ से लेकर के अपने घर जाऊँगा, बस ये बोल करके उस केले का जड़ को आप काट लीजिए किसी भी धारदार छुरी से या किसी भी चीज़ से, आपको उस केले के जड़ को आपको काट लेना है और काट करके पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चुपचाप घर में आ जाना है। घर में आने के बाद में उस केले को जड़ को जो है गंगा जल से पूरी तरह से धो लीजिएगा और धोने के बाद में उसमें जो है थोड़ा सा अक्षत, पीला सरसों और एक लौंग, ये सब सामान को लेकर के एक पीला रंग का कपड़ा में इसको बांध लीजिएगा और बांध करके आप घर के किसी भी लॉकर में जिसमें आप पैसा रखते हैं उस लॉकर में आप जो है इसको रख दीजिएगा। अगर आपकी ऑफिस कार्यालय या घर, चाहे आपका जो भी आपका दुकान कहीं भी अगर दराज भी है, चाहे अलमारा है, तो उसमें आप उस चीज़ को रख दीजिएगा। बस इसको रखते ही जो है 24 घंटा के अंदर अंदर आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और इतना धन आने लगेगा कि आप उस धन को रख नहीं पाइएगा और बराबर कंटिन्यू जितना दिन तक वो चीज़ आपके पास रहेगा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी और आप हो जाएंगे मालामाल और कुछ ही दिन में जो है आप बन जाएंगे अरबपति और आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा और बंद किस्मत का भी ताला जो है आपका पूरी तरह से खुल जाएगा इस क्रिया को करने से ही। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारी टोटके है, इस चीज़ को आप जरूर आजमाइए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके ऊपर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रानी।